अजमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इनकी रोकथाम पर रणनीति बनाई गई। मेयर धर्मेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद धर्मेंद्र गहलोत ने रेलवे म्यूजियम शेल्टर में खानाबदोश लोगों को शिफ्ट करने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में रेलवे म्यूजियम में बने हॉल में केवल 170 लोगों को ही सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से रखा जा सकता है, इसके बावजूद भी 258 लोगों को शिफ्ट किया गया। जिस प्रकार से ये महामारी हमारे बीच में अजमेर शहर के अंदर नित्य प्रति संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी हमको क्या क्या सावधानी रखनी है, इसलिए अगर शहर में साफ सफाई की बात है तो हम संपूर्ण शहर में बिल्कुल चाक चौपन साफ़ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ तक स्प्रे की बात है, हम पूरे शहर के अंदर स्प्रे कई कई चरणों में करवा चुके हैं, इसलिए साफ सफाई के स्तर पर नगर निगम ने अपना ये जिम्मा जो सौंपा गया था वो बखूबी निभा रही है। इसी प्रकार से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, शहर में किसी प्रकार से कोई भूखा ना रहे इसके प्रयासरत हैं। इसके प्रयासरत रहते हुए वो भले जनता रसोई के माध्यम से होगा या फिर पार्षदों ने अपने 1-1 लाख रुपए विकास फंड में से दिए, इसके नाते हम अक्षय पात्र से भी लगभग रोज 9000 सुबह 9000 शाम को 18000 लोगों के भोजन की व्यवस्था को कर रहे हैं। जब कल का एक जो प्रकरण आया है, उस प्रकरण के साथ ही ये विषय हमारे ध्यान में आया तो समीक्षा बैठक में आया कि GCA के अंदर 134 लोग अभी ठहरे हुए हैं, समाज कल्याण गर्ल्स कोटड़ा के अंदर 158 लोग हैं, अपना घर के अंदर 55 हैं, आज़ाद पार्क के अंदर सामने जो रैन बसेरा है उसमें 33 है, पड़ाव के अंदर 36, दिल्ली गेट के अंदर 39, JLN के सामने जो हमारा आश्रय स्थल है उसमें 25, कोटड़ा नौसर के अंदर 26, जनाना के अंदर 5 और सावित्री के अंदर 42। इस प्रकार से ये 553 लोग अस्थायी और स्थायी